राजस्थान के वाराटू क्षेत्र के घुमैन गांव में गत रविवार को पहड़ी नदी की पुलिया से पैर फिसलकर पानी में बहने से एक बालक की मौत हो गई थी और ग्रामीणों ने विधायक पानाचंद मेघवाल सहित प्रशासन से मांग की है कि जब तक नई पुलिया निर्माण कार्य का मौके पर आकर विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक ग्रामीण अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने नहीं भेजेंगे और गत सोमवार 11 जुलाई से ही अध्यापक विद्यार्थियों का इंतजार कर रहे हैं मगर गांव वाले अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी गाँव में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने आकर आश्वासन नहीं दिया है जिसके कारण ग्रामीणों ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष व्याप्त है। एसएसपी अध्यक्ष राकेश गुर्जर व सदस्य हरिशंकर सेन विजेंद्र सिंह धनश्याम मीणा ने बताया कि गत रविवार 10 जुलाई को पहड़ी नदी की पुलिया पर पैर फिसलने से नदी में एक बच्चा गिर गया और बह गया। कक्षा 3 में अध्ययन छात्र हेमंत बैरवा अकाल मौत का ग्रास बन गया था तब से ग्रामीणों में दुर्घटना का भय बना हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।